जय माता दी। वैष्णो देवी उत्तर भारत के सबसे पूजनीय और पवित्र स्थलों में से एक है। यह मंदिर पहाड़ पर स्थित होने के कारण अपनी भव्यता एवं सुंदरता के कारण भी प्रसिद्ध है। वैष्णो देवी भी ऐसे ही स्थानों में एक है जिसे माता का निवास स्थान माना जाता है। हर साल लाखों करोड़ों तीर्थयात्री मंदिर के दर्शन करते हैं। वैसे तो माता वैष्णो देवी के संबंध में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है, लेकिन मुख्य दो कथाएं अधिक प्रचलित है। माता वैष्णो देवी की प्रथम कथा वर्तमान कटरा से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसाली गांव में माँ वैष्णो देवी के परम भक्त एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया। माँ वैष्णो देवी कन्यावेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गई, पर माँ वैष्णो देवी वही रही और श्रीधर जी से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांवों में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए एकत्रित हुए। तब कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास आ गई, तब उसने कहा कि मैं तो खीर पूड़ी की जगह मांस भक्षण और मदिरा पान करूंगा। तब कन्या रूपी माँ ने उसे समझाया, किंतु भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा। तब माँ ने वायु रूप में बदलकर त्रिकूट पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे गया। माना जाता है कि माँ के रक्षण के लिए पवन पुत्र श्री हनुमान भी थे। श्री हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाला। उस जल में अपने केश धोए। आज यह पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है, जिसके पवित्र जल का पान करने या इसे स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफें दूर हो जाती है। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह की तपस्या की। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी माता का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को वापस जाने को कहा, फिर भी वह नहीं माना। माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने गुफा के बाहर ही भैरव से युद्ध किया। माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का फिर संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकूट पर्वत की भैरव घाटी में जा गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर माँ वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध किया, वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। पर माँ पिंडी के रूप में गुफा में विराजित है। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद भैरवनाथ जी के दर्शन करने को जाते हैं। माँ वैष्णो देवी की एक अन्य कथा है महासरस्वती। महालक्ष्मी और महाकाली ने अपनी सामूहिक बल से धर्म की रक्षा के लिए एक कन्या प्रकट की। यह कन्या त्रेतायुग में भारत के दक्षिणी समुद्री तट रामेश्वर में पंडित रत्नाकर की पुत्री के रूप में अवतरित हुई। उस कन्या को जब यह मालूम हुआ कि भगवान विष्णु ने इस भूलोक में भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया है, तब वह भगवान श्री राम को पति मानकर उनको पाने के लिए कठोर तप करने लगी। जब श्री राम सीता हरण के बाद सीता की खोज करते हुए रामेश्वर पहुंचे, तब समुद्र तट पर ध्यानमग्न कन्या को देखा। उस कन्या ने भगवान श्री राम से उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करने को कहा। भगवान श्री राम ने उस कन्या को कहा कि उन्होंने इस जन्म में सीता से विवाह कर एक पत्नी व्रत का प्रण लिया है, किंतु कलयुग में वे कल्कि अवतार लेंगे और माँ वैष्णो देवी को पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे। उस समय तक श्री राम ने वैष्णो देवी को हिमालय स्थित
त्रिकुट पर्वत की श्रेणी में जाकर भक्तों का कष्ट और दुख दूर करने के लिए कहा। श्री राम ने वचन दिया था कि समस्त संसार द्वारा माँ वैष्णो देवी की स्तुति गाई जाएगी। जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी।